मशकी सेट प्रैक्टिस सेट एक अशहरिया चार हमजाद मसावत हल करना। ये मशकी सेट एक अशहरिया चार का सवाल नंबर एक और सवाल नंबर दो है हमजाद मसावत हल करने के लिए। ये मुश्किल सवाल आता है। मशकी सेट एक अशहरिया चार ये अपनी किताब में सफ़ा नंबर 19 पर मशकी सेट का अशारिया चार है। आज इस वीडियो में हम लोग दो ही सवाल हल करेंगे, सवाल नंबर एक और सवाल नंबर दो। तो सवाल नंबर एक हमजाद मसावत हल कीजिए। ये सवाल है, सवाल इस तरह से है, दो बटे एक्स नफी तीन बटे वाई बराबर 15, ये पहली मसावत है। और दूसरी मसावत 8 बटे एक्स जमा 5 बटे वाई बराबर 77। इसमें हम लोग फ़र्ज करके करेंगे, फ़र्ज़ क्या कर लेना है हम लोगों को फ़र्ज़ कर लेना है कि एक बटे, अब जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो बटे एक्स दिया है। देख लो जरा, यहाँ पे दो बटे एक्स नफी तीन बटे वाई। अब जब हम लोग इसमें एक बटे एक्स फर्ज करेंगे, मतलब एक बटे एक्स बराबर ए फर्ज कर लिए और एक बटे वाई मसावी रहेगा बी के, इसमें मसला कैसा आ जाएगा, इसमें हम लोग जब लिखेंगे इसको तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, मतलब यहां से ये एक बटे एक्स जर्ब दो हो, मतलब दो बटे एक्स का मतलब क्या हुआ, एक बटे एक्स जर्ब दो। अब एक बटे एक्स को हम लोग क्या फर्ज कर लिए, ए, इसलिए क्या हो जाएगा वो दो ए नफी, वैसे ही इधर क्या हो जाएगा तीन बी, है ना, याद रखना इसको। अब हम लोग जो है इसको फर्ज करके करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। ये साफ कर दिया, याद रखना किस तरह से फर्ज करेंगे। अब मसावात में हल करेंगे, पहले तो हम लोग मसावात लिख लेंगे, मसावात नंबर एक और मसावात नंबर दो। मसावात नंबर एक जो है दो बटे एक्स नफी तीन बटे वाई बराबर 15, यहाँ पर 15 रहेगा, जरा याद रख लेना, ये जो है 15 है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है उसको 15 कर लेंगे हम लोग, ये कितना है 15। दूसरी मसावत है 8 बटे एक्स जमा 5 बटे वाई बराबर 77। अब यहाँ पे हम लोग फर्ज कर लेंगे, क्या फर्ज कर लेंगे, एक बटे एक्स के लिए ए और एक बटे वाई के लिए बी। एक बटे एक्स के लिए ए और एक बटे वाई के लिए बी, ये फर्ज करें। और यही कीमत हम लोग रखेंगे, जब रखेंगे कीमत हम लोग, तो कीमत रखने के बाद क्या हो जाएगी, कीमत रखने के बाद, ये कीमत रखने के बाद इस तरह से हो जाएगा, दो ए नफी तीन बी बराबर मसावी 15। मसावात जरा ध्यान से देख लो, ये मसावात में यहाँ पर नफी रहेगा, ये जमा लिखा है मसावात में, इसलिए दो ए नफी तीन बी मसावी 15, मसावत नंबर तीन आ जाएगी, वैसी मसावत नंबर चार आएगी, चार क्या हो जाएगी 8 ए जमा 5 बी मसावी 77। ये मसावत नंबर तीन हो गई और ये चार हो गई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जब भी मसावत इस तरह से आएगी, एक बार तो बी के जरीब हम लोग देखते हैं कभी यहाँ पर, तो बी का जरीब क्या है, एक मरतबा बी का जरीब जो दिया है तीन दिया है, नफी तीन है, और एक मरतबा कितना है 5 है, या तो फिर
दो को कभी करें तो दो, यहाँ पे दो है और यहाँ पर आठ है, यहाँ ए का जरीब कितना है दो और यहाँ पर ए का जरीब कितना है आठ। अब हम लोग क्या कर लेंगे, मसावात के जरीब को यकसा करेंगे। मसावात के जरीब को यकसा करने के बाद जो है हम लोग डिसाइड करेंगे। अब मसावात किसको, मसावात के जरीब यकसा करेंगे, पहले तो मसावात के जरीब यकसा कर लेते हैं। यकसा कर लिए मसावात के जरीब, तो क्या करें, मसावात तीन को, मसावात तीन को, मसावात तीन को चार से जब करने पर, ये मसावात तीन जो है इसको किससे जब कर देंगे हम लोग, चार से, चार से जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आठ, आठ ए हो जाएगा, यहाँ भी आठ ए हो जाएगा, यहाँ भी आठ ए हो जाएगा, यहाँ भी आठ ए हो जाएगा। अब दोनों आठ ए और आठ ए दोनों की अलामत जो है एक ही जैसी है। जब अलामत एक जैसी रहेगी तो याद रखना, जब अलामत एक जैसी रहेगी तो मसावात की हम लोगों को नफी करना पड़ेगी, मसावात की नफी करेंगे। मसावात की जब नफी करेंगे तो अलामतें चेंज होगी, वो आगे देखेंगे किस तरह से। अब देखो मसावात तीन को चार से जब करें तो क्या हो जाएगा, आठ ए नफी बारह बी बराबर साठ। ये इसको चार से जब करें तो आठ ए हो गया, तीन को चार से जब करें तो बारह बी हो गया, और पंद्रह चौक साठ, चार से सब करे साठ हो गया, मसावत नंबर पांच बन गई। अब मसावत नंबर पांच और मसावत नंबर चार, तो अब मसावत पांच में से चार माइनस कर दो या चार में से पांच नफी कर देंगे, लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, मसावत चार में से मसावत पांच की तफरीक करने पर, मसावत चार में से मसावत चार पांच की तफरीक करेंगे, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे मसावत चार, आठ ए जमा पांच भी बराबर 77, मसावत चार हो गई। मसावत पांच लिखेंगे आठ ए नफी, आठ ए नफी बारह भी बराबर 60। अब माइनस करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी। अब अलामत चेंज कैसी हो जाएगी, यहाँ पे नफी है तो ये जमा हो जाएगा, ये जमा है तो ये नफी हो जाएगा, और ये जमा है तो ये भी नफी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नफी, यहाँ आएगा जमा और यहाँ आएगा नफी। अलामत चेंज करेंगे, देखो किस तरह से चेंज हो गया अलामत, नफी जमा नफी। अब क्या हो जाएगा, अब ये आटे जमा में और ये आटे नफी में, ये कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा दोनों, ये दोनों कैंसल हो गया, मतलब नफी कर दिया तो जीरो हो गया। और अब उसके आगे पांच बी और बारह बी, पांच बी और बारह बी, पांच और बारह 17, और ये बी 17 बी आ जाएगा, 17 बी, और 77 में से 60 माइनस कर देंगे, 77 में से 60 नफी कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का जवाब आ जाएगा 17। अब ये सिंपल मसावात बन जाती है, इसलिए हम लोग ये सीधी से मसावात बन गई, 17 बी बराबर 17, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 17/17, इसलिए बी बराबर 1 हो जाएगा। अब मसावात में कीमत रखेंगे हम लोग, मसावात तीन में बी बराबर 1 रखने पर, मसावात तीन में बी बराबर बी की जगह 1 रखेंगे, मसावात तीन ये वाली है, अब इसमें जो है बी की जगह क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर बी की जगह रख देंगे 1, तो तीन जरा कितना हो जाएगा 1, तो कीमत रखे 2 ए जम नफी 3 बी मसावी 15। ये जो है हम लोगों का मसावात है, मसावात नंबर तीन, उसमें कीमत रखे 2 ए नफी 3, 2 ए नफी 3 ज़र्ब 1 मसावी 15। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आप लोग का जवाब आएगा 2 ए नफी 3 मसावी 15, इसलिए 2 ए बराबर 15 जमा 3, इसलिए 2 ए बराबर 15 और 3 18, इसलिए ए मसावी 18/2, कैंसिल करें 2 1 2 2 9 18, इसलिए ए मसावी हो जाएगा 9 के। अब ए मसावी 9 हो गया, अब उसके आगे जो है हम लोग कीमत को, कीमतें जो है वो लौटा देंगे, कीमतें को लौटा देंगे, वापस कर देंगे कीमत, मेरे पीछे चली गई कीमत, ये ए की जगह बी, कीमतें वापस करने पर, कीमतें वापस करेंगे, कीमतें वापस करें, क्या कीमत वापस कर रहे हैं हम लोग, ए मसावी 1/x बराबर 9, और x बराबर 1/9 कीमत रख दिए ना,
एक की जगह कीमत क्या थी, एक बटे एक्स, ए की कीमत क्या थी, एक बटे एक्स, और ए मसावी कितना लाए थे हम लोग जवाब 9, इसलिए एक बटे एक्स बराबर 9, इसलिए एक्स बराबर 1/9। उसके आगे बी की कीमत लौटा देंगे, बी वाई बराबर 1 है, ये मसावात का जवाब आता है, y बराबर 1, b बराबर 1 आया था, इसलिए कीमत लौटाए, हम लोगों का जवाब आया। अब इसी सवाल को, ये सवाल को हम लोग जो है, ये सवाल यही है, इसको जो है हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर जो है तिरछी जब कर ली है, तिरछी जब कर ली है तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2y नफी 3x बटे, नीचे नीचे की सर्फ करें, एक्स वाई बराबर 15। उसी तरह से 8y जमा 5x बटे एक्स वाई मसावी 77, है ना। अब यही मसावात जो है ये क्या हो जाएगी, 8y जमा 5x बराबर 77y एक्स वाई, और ये वाली मसावात क्या हो जाएगी, 2y नफी 3x मसावी 15 एक्स वाई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब वैसे ही जो है क्या कर लेंगे, मसावात एक को 4 से जब कर देते हैं, मसावात एक को, ये वाली मसावात को जरा ध्यान से देखो, ये मसावात को 4 से जब करेंगे हम लोग, 4 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8y नफी 12x मसावी 60 एक्स वाई, ये मसावात नंबर 3 बन गए। अब हम लोग लिखेंगे मसावात 3 में से मसावात 2 नफी करने पर, मसावात 3 क्या है, मसावात 3 जो है हम लोगों की, ये हम लोग की मसावात 3 है, 8x 8y नफी 12x मसावी 60 एक्स वाई, और दूसरी मसावात जो है 8y जमा 8y जमा 5x, हम लोग इसको लिखेंगे, ये 8x 8y नफी 12x बराबर 60 एक्स वाई, मसावात की नफी कर लिया हम लोग, नफी करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हम नफी हो जाएगा, ठीक है, ये 8y प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 12 ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये जो है नफी हो जाएगा, नफी 12 नफी 5 नफी 17 एक्स मसावी, नफी 77 है और जमा 60 है, तो 77 में से 60 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, जमा नफी नफी अलामत बड़े रद्द की, तो नफी 17 और ये एक्स वाई, ये नफी और ये नफी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 17 एक्स मसावी 17 एक्स वाई, ओके। अब उसके आगे जो है हम लोग क्या कर लेंगे, ये 17 एक्स बटे 17 एक्स मसावी वाई, ये वाई यही रख दिए और 17 एक्स इधर रख के कैंसिल कर दिए, तो वाई मसावी हो जाएगा 1 के। अब कोई भी मसावात में कीमत रख दो, हम लोग कीमत रख देने के बाद जो हम लोग का जवाब आ जाएगा। अब ये मसावात नंबर 2 थी, 3 थी, 3 को में से ये 3, एक मसावात में कीमत रख देते, इसी मसावात में कीमत रख देते, क्या लिख देते हैं, मसावात 8y जमा 5x बराबर
77 एक्स वाई में y मसावी एक रखने पर, तो 8 जर्ब एक जमा 5 एक्स मसावी हो जाएगा 77 एक्स जर्ब एक, तो ये हो गया 8 जमा 5 एक्स मसावी 77 एक्स। अब ये हो गया 8 मसावी 77 एक्स नफी 77 एक्स नफी 5 एक्स, इसलिए 8 मसावी 77 में से 5 माइनस कर दिए, कितना बच जाएगा, ये 77 है उसमें से 5 माइनस कर दिए तो 72 हो जाएगा, ये हो गया 72 एक्स, इसलिए एक्स मसावी हो जाएगा 8/72, 8 × 8 8 × 9 72, एक्स मसावी हो जाएगा 1/9 के। और इसी तरह से हम लोगों का दी हुई हमजाद मसावत का हल, वापस से दी हुई हमजाद मसावत का हल क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग दी हुई हमजाद मसावत का हल, दी गई हमजाद मसावत का हल क्या हो जाएगा, ये x और ये y मसावी, x कितना आया था 1/9, पहले भी यही जवाब आया था, y कितना आया 1, तो इस तरह से भी तुम लोग जो है इसको आसानी से हल कर सकते हो। मशकी सेट 1.4 का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इस तरह से है, 10/1 जमा वाई जमा 2/x नफी वाई मसावी 4, और दूसरी मसावत है 15/1 जमा वाई नफी 5/x नफी वाई मसावी नफी 2। इस तरह से सवाल है, हम लोग जो है मसावत फर्ज कर लेंगे, मसावत 1 और मसावत 2 क्या रहेगी, मसावत 1 है 10/1 जमा वाई जमा 2/x नफी वाई बराबर 4, और मसावत 2 ये वाली मसावत नंबर 2 है, इसको जल्दी से लिख लेते और फर्ज भी कर लेंगे, 1/x जमा वाई के लिए a और 1/x नफी वाई के लिए b। इससे पहले तुम लोगों को बताया मैं किस तरह से फर्ज किया गया था, कीमत रख दिए, कीमत रख दी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/x जमा वाई के लिए, इसलिए 10 से जमा 2 भी मसावी 4। उसी तरह से तीसरी मसावत बन, चौथी मसावत बनेगी 15a नफी 5 भी मसावी नफी 2। अब हम लोग जो है मसावत के जरिए को यकसा करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये जमा ये नफी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों मसावत की जमा कर लेंगे, लेकिन इसके जरिए यकसा नहीं है, जब जरिए को यकसा करेंगे तो इस मसावत को, मसावत नंबर 3 को 5 से ज़र्ब कर देंगे और मसावत नंबर 4 को 2 से ज़र्ब कर देंगे, तो ये दोनों ज़रीब यकसा हो जाएंगे और बी भी कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से कैंसिल होगा और किस तरह से ज़र्ब करेंगे, तो सबसे पहले फिर से सुनेंगे, मसावत 3 को 5 से ज़र्ब करेंगे और मसावत 4 को 2 से ज़र्ब कर देंगे, लिखेंगे मसावत 3 को 5 से ज़र्ब करने पर, 5 से ज़र्ब करेंगे जब, तो इसको इसको 5 से ज़र्ब करें तो 5 50 ए जमा 10 भी 5 × 20 बराबर 20, लिखेंगे मसावत नंबर 5 50 ए जमा 10 भी मसावी 20। मसावत नंबर 4 को, अब मसावत नंबर 4 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 30 ए नफी 10 भी मसावी 2 × 4, और मसावत 5 और मसावत 6 की जमा कर लेंगे, मसावत नंबर 5 और मसावत नंबर 6 की जमा करने, जमा कर लेंगे जब, तो 10 भी 10 भी नफी हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 5 नंबर की मसावत और ये 6 नंबर की मसावत, इसकी जमा कर लिए हम लोग, 10 भी और 10 भी जमा नफी में कैंसिल हो जाएगा,
अस्सी ए मसावी 20 में से चार नफी करे 16 बचेगा, इसलिए ए बराबर 16 बटे अस्सी, 16 एक 16, दो से भी काट देना तुम लोग तो 16 एक 16, 16 पंजे अस्सी, इसलिए ए मसावी 5 हो जाएगा। अब ए बराबर 5 कीमत रखेंगे हम लोग, मसावत में कीमत रखे मसावत 3 में ए मसावी 1 बटे 5 रखने पर कीमत रखे, ये कीमत रखने के बाद ये 5 का 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट जाएगा वो, तो 2 जमा 2 भी बराबर 4, ये 2 जो है इधर आएगा नफी हो जाएगा, इसलिए 2 भी बराबर 4 नफी 2, इसलिए 2 भी बराबर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इसलिए b बराबर 2 बटे 2, इसलिए b बराबर 1। अब जो कीमत फर्स्ट करे थे वो कीमत को लौटा देंगे कि 1 बटे x जमा वाई बराबर a फर्स्ट करे थे, और एक पर कीमत को a और b की कीमतें वापस रखने पर a और b की कीमतें वापस रख लिए, a बराबर 1 जमा वाई 1 बटे x जमा वाई कीमत रख दिए, तिरछी जब करे मसावत नंबर 7 आ गई, एक बी बराबर एक बटे एक्स नफी वाई रखे। अब इसमें भी हम लोग कीमत जो है कीमत रख देंगे तो जवाब आएगा एक्स नफी वाई बराबर 1, मसावत नंबर 8। सिंपल मसावत है ये, और 7 और 8 की जमा कर लेंगे तो सिंपल बहुत आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 बटे 2, x बराबर 3 हो जाएगा। अब मसावत में कीमत रख देंगे, x बराबर 3 मसावत नंबर 7 में रखे, जवाब आया हम लोग का इसको हल करने के बाद y बराबर 5 नफी 3, y बराबर 2 हो गया। इसलिए दी हुई हमजान मसावत का हल बहुत आसानी से क्या लिखेंगे हम लोग, 3 और 2 होगा।